प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आज कोरोना महामारी खिलाफ शुरू की दुनिया की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम के तहत देश कोरोना खिलाफ अगले मोर्चे से तैनात सेहत कर्मियों नु वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। देश 1 करोड़ तो वध लोगों के कोरोना पीड़ित होने ते 1.5 लाख पीड़ितों की मौत के बाद भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाल महामारी नु मात देने लई पहला कदम चुकया ते देश भर च टीकाकरण की शुरुआत की गई है। सेहत कर्मियों के नाल नाल एम्स दिल्ली के निर्देशक रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के मैंबर वी के पोल, भाजपा संसद मैंबर महेश शर्मा अते पश्चिमी बंगाल के मंत्री निर्मल माझी उन्हां लोकां शामिल ने जिन्होंने टीके की पहली खुराक दी गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ विश्व की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम की शुरुआत करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों नूं किसी भी तरह की अफवाहों तो बचने लई अपील की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगन चुंबी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने लई गुजरात के केवड़िया पिंड जांच हुन आसानी होगी। दिल्ली तो हुन केवड़िया पिंड लई सीधी ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नू देश के वख-वख हिस्सों नाल जोड़न वालियां 8 ट्रेनां नू हरी झंडी दिखा के रवाना किया। नाल ही प्रधानमंत्री ने गुजरात च वख-वख रेलवे प्रोजेक्टां दा उद्घाटन किया। इस मौके पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे दे इतिहास दे विच शायद पहली बार अजिहा हो रहा है जदों इकट्ठे देश दे वख-वख कोने तों एक ही जगह तों इन्हां ट्रेनां नू हरी झंडी दिखाई गई होवे। खेती बिलां नूं लै के किसान संगठनां दा विरोध प्रदर्शन जारी है। कई दौर दी वार्ता दा कोई नतीजा नहीं निकला है। उधर सुप्रीम कोर्ट दे दखल तों बाद वी किसान संगठन जिद छड्डदे नजर नहीं आ रहे। हुण 19 जनवरी नूं होण वाली वार्ता तों पहलां केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वड्डा बयान दिता है। तोमर ने कहा कि सरकार कोई कानून बनाउंदी है तां ओह पूरे देश दे लई हुंदा है। देश किसानां, खेती विज्ञानिकां ते जानकारां दा वड्डा वर्ग इन्हां कानूनां नाल खुश है। अजिहे च विरोध कर रहे किसानां नूं हुण कानून वापस लैण दी गल नहीं करना चाहीदा ते इस तों इलावा उन्हां दी कोई मंग जां आपत्ति है तां सरकार खुल्ले च गल्लबात लई तैयार है। मंत्री ने भी कहा कि जदों सुप्रीम कोर्ट ने तिन्ने खेती कानूनां दे अमल ते रोक ला दित्ती है तां विरोध प्रदर्शन जारी करना ठीक नहीं है। लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि जब किसान यूनियन क्लॉज पर बात नहीं कर पा रही थी तो उस समय उनकी चर्चा के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करके पहचान की और पहचान करके किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हमने कहा कि मंडी के बारे में आपकी शंका है उसका समाधान किया जाएगा, आपके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड करने पर बात की जा सकती है। न्याय विवाद की स्थिति में एसडीएम तक न्यायालय की सीमा हम लोगों ने रखी है तो बातचीत में ये ध्यान में आया कि उनको लगता है एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा तो न्यायालय का रास्ता खुला होना चाहिए तो सरकार ने उस पर भी सहमति बताई। और पराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो ये आने वाले कल के विषय थे लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन कस्से मस होने को तैयार नहीं, लगातार उनकी कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो यह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया।
तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कर वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं, वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। नवी प्राइवेसी पॉलिसी नूं लेके विवादां च घिरे व्हाट्सएप ने अपने कदम पिछे खिंच ले ने। पिछले साल तो व्हाट्सएप लगातार चर्चा दे विच है ते इस दी मुख वजह न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है। न्यू प्राइवेसी पॉलिसी नूं लेके यूजर्स काफी परेशानी दिख रही है ते उन्हां नूं अपने निजी डाटे ते खतरा मंडराउंदा होया नजर आ रहा है। पर व्हाट्सएप दे दबाव दे चलदे फिलहाल 8 जनवरी तो लागू होण वाली न्यू प्राइवेसी पॉलिसी नूं अगले 3 महीने लई टाल दिता है। भाव हुण यूजर्स नूं 3 महीने तक निजी डाटे दी प्राइवेसी नूं लेके परेशान होण दी जरूरत नहीं है। इस नाल ही कंपनी ने यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसी नूं लेके चल रहे वहम नूं बेहद ही वख अंदाज दे विच दूर करन दी कोशिश कीती है। नगर कौंसल चोणां दा बिगुल वज चुक्या है। राज चोण कमिशन ने सूबे च नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां दा ऐलान कर दित्ता है। चोण प्रोग्राम अनुसार बठिंडा जिले अंदर बठिंडा नगर निगम तो इलावा 6 नगर कौंसलां ते 7 नगर पंचायतां लई वोटां 14 फरवरी नूं पैणगीआं, जदों की वोटां दे नतीजे 17 फरवरी नूं ऐलाने जाणगे। चोन प्रोग्राम अनुसार जिले अंदर नगर कौंसिल पुचो मंडी, कोन्याना मंडी, संगत मंडी, रामा मंडी, कोट फत्ता ते मौण मंडी नाल वोटा पैणगियां, जदों की नगर पंचायत विच कोट शमीर, लहरा मोहब्बत, भाई रूपा, मलूका, भगता भाईका, कोठा गुरु अते महराज विच वोटा पैणगियां। तलवंडी साबो नगर कौंसिल अते नगर पंचायत नथाणा दी अजे म्याद खत्म नहीं हुई, जदों की रामपुरा नगर कौंसिल दी वार्डबंदी ना होण कारण चोन नहीं होवेगी। दस्योग है कि जिले दीआं 4 नगर पंचायतां नूं पहला ही तोड़ के ग्राम पंचायतां विच तब्दील किया जा चुका है। नगर पंचायत मंडी कला, नगर पंचायत चौके, नगर पंचायत बालियांवाली ते नगर पंचायत रामपुरा पिंड नूं ग्राम पंचायतां विच तब्दील किया जा चुका है। अगली अहम खबर खन्ना तो, जिथे संघनी धुंद ने अपना कहर विखाया है। खन्ना जीटी रोड ते 5 गड्डियां आपस च टकराईयां ने। हादसे दे विच 2 लोकां दी मौत हो गई है। यह हादसा संघनी धुंद दे कारण वापरिया जापदा है। इस हादसे च एक ट्रक दे नाल कई गड्डियां दी टक्कर हुई है ते गड्डियां चकना चूर हो चुकियां ने। उत्थे इस मौके ते पहुंच के पुलिस ने हालात दा जायजा लिया ते ट्रैफिक नूं डाइवर्ट कर दिता गया। हादसे दीआं तस्वीरां वेखण तो लगदा है कि यह हादसा देर रात होया, जिस कारण इह गड्डियां आपस दे विच टकराईयां ने। फिलहाल पुलिस मौके ते पहुंच गई है ते अगली जांच शुरू कर दिती गई है। For your child's bright future and to enhance your child's knowledge, take them to Bhartiya Model Senior Secondary School, CBSE affiliated. Admissions are open from nursery to 12th with medical, arts and commerce stream with affordable fee. Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab, extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651220279 and 01651221279. Are you worried about your child's future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus one and plus two students. Admission open from now for nursery to 9th and plus one in commerce, arts and medical stream. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyatwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 99884728857.